वहीं प्रदेश में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां खजुराहो से लगे राजनगर में एक 8 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा राजू कुशवाहा ने दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी राजू कुशवाहा फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज करा दिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित बच्ची को गंभीर अवस्था में खजुराहो के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद जिला अस्पताल छतरपुर भेज दिया गया है। बता दें आपको कि 8 साल की बच्ची है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में खून का कारोबार करने वाला एक रैकेट काम कर रहा है। इसमें शामिल लोग मजबूर लोगों से पैसे ऐंठ कर उन्हें ब्लड बेच रहे हैं। साथ में जेएच का फर्जी क्रॉस मैच कार्ड भी दे रहे हैं, जिस पर जेएच के डॉक्टरों की सील लगी हुई है। बता दें कि फर्जी क्रॉस मैच कार्ड लेकर आने वाला एक वृद्ध को ब्लड बैंक के चिकित्सकों ने सिक्योरिटी की मदद से उसे पकड़ा और जब पूछताछ की तो पता चला उसे 5,000 रुपए में ब्लड बेचा जाएगा। वहीं 2 दिन में इस प्रकार के 2 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने एसपी को पत्र लिखकर रैकेट को पकड़कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बोले काहे बैठे बाबा, तो हमने कि साहब ऐसी ऐसी बात है, हमें परेशानी है। तो बोले पैसा दो। ने कितने? बोले 5,000 है। हमने यह सोचा होगा तुम लेके भाग जाओ 5,000, हम मोड़ी बीमार है, हम आए जाओ, हम आए जाएँ, हमने तो भी पैसा है। तो बोले कि तुम्हें क्या करने, हम तो दें तुम्हें, क्यों से दें तुम्हें, हमें ठीक है, अब ये पैसा दें 8 घंटा बाद वो लेके आओ। हम पेट के टेम्पू में होते पहुंच गए अस्पताल में। कितने पैसे दिए थे आपने? 5,000। आपको बदले में क्या दिया उन्होंने? खून दाओ। तो एक बोतल खून दिया। मेरे पास जो न्यूरोलॉजी के नीचे ब्लड बैंक हैं, जो ब्लड बैंक वाले कर्मचारी और उनके डॉक्टर आए थे, उनका यह कहना था कि उनके पास कोई एक ब्लड बैंक की थैली लेके आया था, जो थैली बोला साहब आपके यहाँ से लेकर, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है कि अभी चलना नहीं है, तो इसको वापस कर लो, बाद में ले जाएंगे। जब तो उनका यह कहना कि हमने देखा तो हमारे ब्लड बैंक की नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा जो लड़का लेके आया था वो कहाँ है, तो बोले बुरे लड़के को हमने बोला कि तेरे किसने दिए, तो बाहर के भाग गया। कल देखिए एक मामला आया था इस तरह का, तो उसमें FIR कर दी गई है, कागज़ जब्त कर लिए हैं, FIR कर दी है। और लेकिन वो आदमी ये कह के कि मैं अपने साथी को बुला के ला रहा हूँ, उसने कहा मुझे किसी ने उनने भेजा, बाहर खड़े हैं। उससे ये पूछा गया किसने भेजा, तो बोले साहब बाहर खड़े हैं, उनको लेके आता हूँ, और उसके बाद गायब हो गया। आज उसी तरह का दूसरा मामला आया है जिसमें फर्जी क्रॉस मैच वाला सर्टिफिकेट है, जे हॉस्पिटल के नाम से सील सिक्के लगा दिए गए हैं, और वो मामला फिर आया सामने, तो अभी उसको पकड़ लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित